दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कोट का स्लीव कंप्लीट लगाना बताऊंगा, यानी कि आस्तीन पूरा कच्चा करने से लेकर पूरा कंप्लीट तक बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया है, आप समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आस्तीन बना रखा है कोट का और ये आर्म होल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ऊपर का जॉइंट और जो बैक वाला जॉइंट होता है, तो दोस्तों आपको इस तरीके से इनको मिलाना है और यहाँ पे एक सेंटर करते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों ऊपर के जॉइंट को ऐसे पकड़ना है, देखिए इस तरीके से, और इस मार्के को बिल्कुल बराबर इसके लगा लेना है। तो दोस्तों ये दो मार्के लगाने के बाद में अपने स्लीव लगाएंगे। तो दोस्तों आपको सुई में धागा डाल लेना है, डबल लेयर धागा डाल लीजिए, आप चाहे तो सिंगल लेयर भी धागा यूज़ कर सकते हो स्लीव कच्चा करने के लिए। तो दोस्तों जो स्लीव बनी हुई है उसमें अस्तर बाहर जो निकला हुआ है उसको अंदर की साइड में डाल दीजिए एक बार। इसके बाद में दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका आर्म होल और जो आस्तीन है स्लीव है उसका जो कटिंग राउंड होता है वो कहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे आपका मिले बिल्कुल अच्छे से आपको वहीं से इसको शुरू करना होगा। तो दोस्तों अपना मिलता है लगभग जो सेंटर नीचे वाला आर्म होल का जोड़ होता है और स्लीव का जोड़ होता है जॉइंट, वहाँ से आपको बिल्कुल आसपास में ही मिलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे का फ़र्क पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों आपको इसको कच्चा डालना शुरू कर देना है। तो दोस्तों कच्चा अपने बिल्कुल वैसे ही डालना है जैसे इसमें ना तो अपने कोई नम डालना है स्टार्टिंग से और ना ही इसको खींच के लगाना है, प्रॉपर जैसे कपड़ा है वैसे ही कच्चा कर देना है। यहाँ पे दोस्तों इतनी दूर तक आपको ऐसे ही कच्चा करना है मार्के तक। अब जो मार्का है यहाँ से अपने नम को शुरू कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हल्का थोड़ा नम डालना शुरू करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं हल्का नम डालना शुरू कर चुका हूँ, देख लीजिए आप समझ रहे होंगे मैं कैसा नम यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से इतनी दूर तक स्लीव को कच्चा करने के बाद में इसको पलट लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से पलटने के बाद में आपको फिर से कच्चा करना शुरू कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे, अब देखिएगा दोस्तों कैसे कितना नम डालना है आपको। इस तरीके से दोस्तों हल्का सा कपड़े को पीछे हटाया और कच्चा कर दिया, इसमें रिंगिट ना बैठे और ऐसे बराबर बराबर नम डालते हुए पूरा कर लेना है। तो दोस्तों जो स्लीव का जॉइंट है, जो मार्का लगा हुआ है उसके बिल्कुल पास जाना चाहिए, उससे एक दो सूत आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, बट उस तक जाना चाहिए, वहाँ तक ही आपको नम डालना होता है, आगे प्रॉपर सही स्लीव मैच कर जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं कैसे नम डाल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं इस तरीके से रिंगिट ना बने और नम इस हिसाब से डाल लीजिए आप, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे अपने प्रॉपर निशान तक जो स्लीव का जॉइंट है वो ये देखिए बिल्कुल बराबर तक आया है, ऐसे ही आना चाहिए तो आपकी स्लीव दोस्तों बिल्कुल सही कच्चा होगा। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में अब आपको एक बार चेक कर लेना है स्लीव को, आपका स्लीव सही लग रहा है या गलत। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका स्लीव सही है या नहीं, आगे मैं आपको भी दिखाऊंगा पूरा कच्चा करने के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे अब ऐसे कर लेना है इसको, अंदर की साइड से ही ये कच्चा होगा। इसको ऐसे पलट लिया एक बार और ये टांका चीरा हुआ रहना चाहिए और ऐसे इसको निकाल लेते हैं। अब इसके बिल्कुल बराबर आर्म होल के स्लीव आस्तीन को पकड़ते हुए कच्चा डालते चलना है आगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कच्चा डाल लिया है मैंने, अब इसको मैं फिर से इस साइड से निकाल लूँगा और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अच्छे से कि यहाँ पे हल्का सा देखिए नम बन रहा है, तो इसको एडजस्ट कर देना है आप लोगों को ऐसे, थोड़ा बड़ा कच्चा डाल लीजिए यहाँ पे और इसको बिल्कुल बराबर में एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों वैसे तो प्रॉपर ही है, लगभग थोड़ा बहुत स्लीव लूज हो तो सही रहता है। तो यहाँ पे इसको ये से पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ये दोस्तों एक स्लीव कच्चा हो चुका है,
इसी तरीके से दूसरे स्लीव को भी आपको कच्चा करना होगा। तो दोस्तों मैं एक स्लीव पे ही आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा करूँगा तो मेरे को टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक स्लीव को कच्चा कर दिया है, ऐसे ही दूसरी साइड का स्लीव कच्चा कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए स्लीव किस तरीके से लगा है, यहाँ पे देखिए किस एंगल पे आपका स्लीव आ रहा है, आप अच्छे से देख लीजिए कैसे कच्चा किया गया है। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं अब इस पर सिलाई कैसे करनी है और इसको पक्का कैसे करना है। तो दोस्तों आपको ऐसे अंदर की साइड से सिलाई कर लेनी है, स्लीव वाली साइड से। तो दोस्तों लगभग 3 सूत का मार्जिन लेते हुए, 3 सूत से थोड़ा अधिक ले सकते हो, आधा इंच का भी ले सकते हो, और आपको सिलाई कर लेनी है ऐसे मार्जिन जितना लेते हुए आपको सिलाई कर लेनी है। और इसमें देखना है कि आपका नम में कोई रिंगिट ना बैठे, रिंगिट को नहीं बैठने देना और इस सिलाई को पूरा कर लेना है। दोस्तों इस सिलाई को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें कोई रिंगिट ना बैठे और सिलाई पूरा कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलाई पूरा होने वाला ही है, बिल्कुल सही करते हुए। तो दोस्तों लगभग 3 सूत के आसपास आपको मार्जिन दबाना होता है स्लीव में। तो यहाँ पे ये एक सिलाई हो चुका है। अब मैं आपको इस साइड से फिर से दिखा देता हूँ कि कैसा नम अपने बैठा है, इसमें कोई रिंगिट वगैरह नहीं है, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों अब अपने इसमें बत्ती और पैड लगाने हैं। तो दोस्तों बत्ती के लिए मैंने ये पैंट का रेव कपड़ा लिया है, लगभग 9 से 9.5 इंच कटिंग किया है। दोस्तों ये पैड हैं, पैड बड़े हैं दोस्तों इसके लिए, क्योंकि ये छोटे साइज का कोट है, लगभग 31.5 सीने का कोट है। तो अब इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूँ जैसे है, उसी हिसाब से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको कट करके छोटा कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास पैड थोड़े ज़्यादा मोटे हों तो आप उसको इनके बीच में से थोड़ा निकाल कर हल्के कर सकते हो। दोस्तों मैंने क्या किया है, प्रेस से थोड़ा बैठा लिया है और ये आसानी के साथ प्रेस से बैठ जाते हैं। थोड़ा पानी लगाओ और बाद में ऊपर प्रेस लगाओ तो ये आसानी के साथ बैठ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बाद में सिलाई आसानी के साथ लग जाए तो इसलिए मैं पहले ही एक सिलाई लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी होगी जिससे कि आपकी मशीन बाद में टाप नहीं करेगी, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड मोटा हो जाता है तो बाद में सिलाई लगाने में दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों अपने जो स्लीव लगाई है वहाँ पे बत्ती लगानी है, तो वो देखिए कैसे लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐसे रख लिया है कोट को, और यहाँ पे ये देखिए जो बैक में स्लीव का जॉइंट है, ठीक है दोस्तों, स्लीव वाला जॉइंट है, यहाँ पे आपने मार्किंग की थी फ्रंट और बैक वाला, उससे आपको ऐसे सिलाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ऐसे रखना है आपको, जो बत्ती की जॉइंट वाली साइड है उसको बाहर की साइड में रखना है ऐसे, देख लीजिए कैसे यहाँ पे मैं स्टिच कर रहा हूँ, और बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है, और जो बाजू वाला आस्तीन वाला कपड़ा है वो नीचे दबे नहीं, उसको सही करते हुए ऐसे बत्ती को स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। तो दोस्तों जो बत्ती की लंबाई होती है, बैक जो जॉइंट होता है स्लीव वाला, उससे शुरू होती है और आगे अपने आर्म होल के राउंड तक आती है, नीचे जो राउंड रहता है वहाँ तक आती है, यानी कि जो जॉइंट होता है नीचे का उससे लगभग 1.5 इंच पहले ख़त्म हो जाती है, इतनी दूर तक अपने बत्ती लगाई जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये बत्ती लग चुकी है अपने कोट में। अब दोस्तों अपने पैड पीस लगाएंगे। तो यहाँ पे पैड पीस मैंने इस साइड का ले लिया है, अब इसका सेंटर बनाते हुए इसको ऐसे रखना है, ये देखिए ऐसे इसको सेंटर बनाया, और यहाँ पे कोट का जो ऊपर का सेंटर है उससे बिल्कुल बराबर में करते हुए स्टिच कर लेना है अब इसको। दोस्तों इसको बत्ती वाली साइड में नहीं लगाया जाता, कोट के ऊपर वाली साइड में आता है, ये स्लीव के ऊपर वाली साइड में।
तो ऐसे उसको रखा बिल्कुल सही करते हुए और इसको भी बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए लगा लेना है। जो बत्ती पे सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर रखते हुए पैड पीस को करते हुए स्टिच कर लेना है। आगे दोस्तों मैं इसका अस्तर जोड़ना भी दिखाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये सिलाई कर लेनी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा स्लीव को पलट के भी कि अपना पैड लगने के बाद में स्लीव कैसे दिखाई देती है। दोस्तों जो स्लीव ये कोट वाली आस्तीन होती है इसमें डबल सिलाई ज़रूर कीजिएगा, पूरे चारों ओर में डबल सिलाई ज़रूर करना दोस्तों। इससे क्या होता है आपकी स्लीव उखड़ेगी नहीं। अब दोस्तों ये बत्ती और पैड लग चुके हैं तो इसको एक बार मैं आपको पलट के दिखा देता हूँ। ऐसे लग चुके हैं ये दोनों, अब देखिए दोस्तों ऐसे, ये देखिए दोस्तों इसको मैंने पलट दिया है। अब ये देखिए कि कैसे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसमें बत्ती और पैड दोनों लग चुके हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपनी कोट की स्लीव लग जाती है। अब दोस्तों इसका अस्तर जोड़ना है वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जोड़ना है। तो दोस्तों ये स्लीव लगाने के बाद में अब अस्तर जोड़ना है, फिर से वापस उसी तरीके से पलट लेंगे बाजू को और अब अपने स्लीव का अस्तर जोड़ना है। तो दोस्तों जो अस्तर है कोट का उसको पहले सही से एडजस्ट कर लें जिस जगह पे ये होगा सही, और जो नीचे का जॉइंट है स्लीव का वहाँ से आपको अस्तर पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे अपने जो अस्तर वाला राउंड है ये वाला जॉइंट है, अब इसको इसके ऊपर निशान के ऊपर जोड़ना शुरू करना है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो अपने आप सारी स्लीव सही अस्तर वाली भी बैठ जाएगी जिससे कि आपका कोट अल्टर नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों आप स्लीव वाली साइड से ही यानी कि आस्तीन वाली साइड से ही ये एक इतनी की सिलाई लगा लें, यानी कि एक बार छोटा टांका लगा के पक्का कर लें। बाद में अपने जो कॉलर वाली साइड होगी उससे अंदर आते हुए ये सिलाई पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है मैंने सेम जगह पे, अब कॉलर वाली साइड से अंदर आते हुए मैं ये सिलाई को पूरा करूँगा। तो मैंने कॉलर की साइड से इसको ऐसे पलट लिया है, आप आरामदारी से अच्छे से इसको देखते हुए समझते हुए पलट लीजिएगा और सिलाई को पूरा कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ सिलाई को कैसे पूरा कंप्लीट करना है। ऐसे पकड़ा, बिल्कुल सही कर लेना है आपको अच्छे से समझते हुए। ये देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने पकड़ा और ये सिलाई को शुरू कर लूँगा बिल्कुल अच्छे से पक्का करते हुए, और जैसे अपने ये है वैसे ही इसको करते हुए सही करते हुए सिलाई को पूरा कर लेना है और आपकी ऐसे स्लीव का अस्तर भी जॉइंट हो जाएगा। दोस्तों एक तरीका ये है और दूसरा तरीका अपने तुरपाई से भी इसको तुरप लेते हैं अस्तर को। तो दोस्तों ये अच्छा तरीका है, इस तरीके से टाइम कम लगता है कोट बनाने में, नहीं तो ज़्यादा टाइम दोस्तों तुरपाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है तैयारी करने में कोट की। तो दोस्तों इस तरीके से इसको पूरा स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों इसको स्टिच करने के बाद में आपको पलट के दिखा देता हूँ। और दोस्तों एक काम और होता है इसमें, आपको दूसरा भी स्लीव जब लग जाए तो आपको ऊपर सुई धागे से इसको अटैच करके पक्का कर लेना होता है ताकि ये अस्तर आगे पीछे हो ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे अस्तर की सिलाई कुछ इस तरीके से हुई है। ये अपना वीडियो आज का पूरा कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाए दो जो कोट की सिलाई सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं।